हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.8 का क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 21.8, क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 में क्या है, द साइड ए बी एंड ए डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इतना एंड इतना। एक पैरेललोग्राम है जिसका दो साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, तो एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं इस तरह से कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, नाम क्या है, ए बी सी एंड डी। इसमें दो साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी और ए डी का। तो ए बी का इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस 3y, ए डी का इक्वेशन है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दे रखा है और एक पॉइंट सी भी दे रखा है। पॉइंट सी क्या है, -1, -2। तो पूछा जा रहा है डायगनल का इक्वेशन, कौन सा ए सी डायगनल का इक्वेशन चाहिए है और एक बी डी डायगनल का इक्वेशन चाहिए। तो इन दोनों डायगनल का इक्वेशन चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए सी डायगनल का इक्वेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। इन दोनों लाइन के इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये पास कर रहा है, सही ना। तो हम लोग इन ए सी का जो इक्वेशन वो के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई तीसरा लाइन पास करे तो उसको हम लोग के फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एसी का इक्वेशन तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अच्छा अब देखो, बीडी का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें इन दोनों का इक्वेशन चाहिए होगा, सही ना। तो दोनों का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग ये बोले कि एडी के पैरेलल लाइन बीसी है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते थे, तो जो इसका एक्स और वाई का कोफिशियंट होगा बिल्कुल यहाँ पर सेम कर देंगे। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x+3y, और कांस्टेंट के लिए कोई अदर कांस्टेंट यूज कर लेते, चलो हम लोग लिख देते के वन लिख लेते हैं ना, k1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट सी से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो k1 की वैल्यू आ जाएगा, फिर उठा के यहाँ पर रख देंगे, सही ना। तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह -1 रखेंगे तो यह आ जाएगा -1, और -2 यहाँ रखेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस k1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाए, K1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, x+3y, और प्लस K1 है तो K1 की वैल्यू +7, तो +7 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, सही ना। इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालना, तो इसका इक्वेशन निकालना भी आसान है, क्योंकि ए बी के पैरेलल डी सी है तो एक्स और वाई का वाला कोफिशियंट तो बिल्कुल सेम होगा। तो यानी कि इसका इक्वेशन लिखेंगे लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x-y और प्लस कॉन्स्टेंट की जगह K2 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है उस पर भी ये पॉइंट सी है, तो ये सी इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो -1 यहाँ रखेंगे तो -2, और यहाँ पर रख देंगे -2, तो ये +2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी K2 के वाले 0 हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x-y = 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो हमारे पास चारों साइड्स का इक्वेशन आ चुका है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट निकाल लो। तो यहाँ देखो पॉइंट डी निकालना बहुत ही आसान है ना, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट डी सॉल्व इक्वेशन, कौन सा, 2x-2x-y = 0 एंड x+3y -10 = 0, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट डी है। तो डी पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके। तो सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ से वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x, इसको पुट कर देते हैं ना, पुट इन x+3y -10 = 0, इसमें पुट कर देते हैं। तो वाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2x रख देंगे, तो यह आ जाएगा x+6x हो जाएगा, और -10 = 0, तो यहाँ आ जाएगा 7x = 10, यानी x की वैल्यू 10/7 आ गया, है ना। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ 2x है, यानी 20/7 आ जाएगा, 20/7। तो हमारे पास पॉइंट D आ गया, है ना, D का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, प्लस 10/7 और 20/7। तो D पॉइंट हमारे सामने आ चुका है। अब देखो,
आप लिखेंगे एसी का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ एसी कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे एसी, एसी पासिंग थ्रू, एसी जो पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट से एसी पास कर रहा था, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ एसी क्या लिखेंगे बोलो, पहले वाले के इक्वेशन यानी कि 2x - y + 1 और प्लस में k लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k की जगह हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, k1 k2 यूज कर, k3 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+3y - 10 = 0, सही है। अब ये जो लाइन है पास कर रहा है कहाँ से, ये जो लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, सी से, तो यहाँ लिख देंगे पासिंग थ्रू कहाँ से, C -1 और -2 से, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन किसका इक्वेशन है, एसी का, और एसी पे ही पॉइंट सी है, इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा -2y की जगह -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा +1 और +k3, यहाँ से आ जाएगा x की जगह -1, यहाँ y की जगह -2 यानी कि -6 - 10 = क्या हो जाएगा, 0, सही है। चलिए तो सॉल्व करें, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + k3, और यहाँ से आ जाएगा कितना 16 17 -17 - 17 = 0, तो यहाँ पे k3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, k3 की वैल्यू आ जाएगा 17 सॉरी 1/17 आ जाएगा, है ना, k3 की वैल्यू 1/17। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, 2x - y + 1 = 0 है ना, x+3y - 10 = 0, सही है, इक्वेशन यही था। हाँ अब यहाँ पे k3 है तो ये सेटिस्फाई करेगा -1 और -2 को, तो x की जगह -1 रखेंगे तो -2, y की जगह रखेंगे -2 तो ये हो जाएगा +2, और +1 +k3, x की जगह -1, y की जगह -2 तो ये -6 और 10 आ जाएगा, सही है, 16 x 17 तो +17, सही है ना, तो k3 की वैल्यू 1/17 आ गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं ना, पुट इन इक्वेशन ऑफ एसी, एसी का जो इक्वेशन है ये, इसमें हमें पुट कर देना है K3 की वैल्यू इसमें, है ना, तो रख दो, क्या आ जाएगा 2x - y + 1, और K3 की वैल्यू 1/17 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 1/17 आई इंटू में क्या आ जाएगा, x+3y - 10 = 0। अब यहाँ पे एलसीएम 17 आ जाएगा, तो 17 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 17 2 = 34x - 17y + 17 और प्लस 1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3y - 10 = 0। अब देखो x वाले को, अच्छा जो एलसीएम 17 ली तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हो गया, x वाले को साथ में कर लेते हैं 35x, y वाले को साथ में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -14y + 17 - 10 तो +7 = 0, 7 कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा, 5x - 2y + 1 = 0, ये इसका आंसर हो गया, सही ना, एसी का इक्वेशन तो आ गया। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ बीडी, तो देखो इक्वेशन ऑफ बीडी निकालने के लिए क्या बोलेंगे, तो जो बीडी लाइन है वो लाइन क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये लाइन कौन सा 3, ये लाइन कौन सा 1, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ बीडी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x - y + 1 और प्लस में k4 यूज कर लेते हैं, और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x+3y + 7 = 0, सही ना। अब देखो, अब ये जो लाइन है वो लाइन कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट डी से, और डी का कोऑर्डिनेट ये पता है तो बोलेंगे पासिंग थ्रू कहाँ से, डी क्या है 10/7 और कॉमा 20/7, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बोलेंगे 2 × 10/7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/7 माइनस वाई की जगह 20/7 और फिर +1 + k4, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10/7 और वाई की वैल्यू 20/7 तो ये 60/7 हो जाएगा, और +7 = कितना 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + k4, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये 70/17 17 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 17 = 0, तो यहाँ पे k4 की वैल्यू क्या आ जाएगा -1/17। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन ऑफ बी डी वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे k4 की वैल्यू, यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा कितना 2x - y + 1
और माइनस 1/17 और इंटू में क्या जाएगा, एक्स प्लस 3 वाई प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 17 ने लेंगे क्रॉस मल्टी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 34x माइनस 17y प्लस 17 माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब 34x माइनस एक्स तो यहाँ आ जाएगा 33x माइनस 17y माइनस 3y, तो माइनस का 20y प्लस 17 माइनस 7 तो प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ बी डी। तो ये है इक्वेशन ऑफ बी डी और ये है इक्वेशन ऑफ ए डी, दोनों का हमने इक्वेशन निकाला दोनों डायगनल ही। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर 38 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सी एंड ये। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, तो एक रफ फोटो बनाते हैं। ये दो लाइन है, इन्हीं दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये हो गया। इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है, तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला है x माइनस टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन 2 है, इन्हीं दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, तो मान लेते हैं यही वो लाइन है ना, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका स्लोप दे रखा है 5। इसका स्लोप कितना है 5 है, इसका स्लोप कितना है 5 है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट पता है स्लोप पता है इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों का यूज करते हुए इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे और स्लोप निकालेंगे के फॉर्म में और जिसको बराबर कर देंगे 5 के, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो मैं के मेथड वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कौन सा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों के इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करें उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और माइनस 7 प्लस k और इंटू में क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सी, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सभी एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट 3 आएगा, यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट प्लस के आएगा और इंटू में एक्स आ गया। अब यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट 4, यहाँ पे वाई का कॉफिशेंट माइनस के होगा, तो माइनस के इंटू वाई कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 7, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 2k इक्वल टू 0। तो देखो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका स्लोप 5 है, तो इसका भी स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशियंट क्या है 3 प्लस k अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ वाई 4 माइनस k, सही ना। और स्लोप की वैल्यू दे रखा है कितना 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3 और माइनस के अपॉन में क्या 4 माइनस k, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 माइनस 5 k इज इक्वल टू -3 माइनस k, ठीक है। तो आप देखो k वाले को एक साथ कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना माइनस, तो 4 k हो जाएगा इधर, और इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 17 आ जाए, सॉरी 23 हो जाएगा 23। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ जाएगा 23/4 आ जाएगा, k की वैल्यू कितना 23/4। अब इस k की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन इसमें रख देते हैं, इसको मान लेते हैं 3, तो पुट इन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर दो इक्वेशन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस k, k की वैल्यू कितना प्लस 23/4 और इंटू में x।
अगला है प्लस फोर माइनस के की वैल्यू कितना 23/4, और अगला क्या -7, और प्लस 2 के की वैल्यू कितना है 23/4 इक्वल टू कितना 0। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 और प्लस 23, तो 12 प्लस 23 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35/4 यहाँ पे x आएगा, और यहाँ कितना आएगा माइनस में 16 - 23, तो 23 में 16 घटा देंगे, 4 थी -7 बचेगा, -7/4 × y, यहाँ पे y भी होगा, और माइनस का 7 है, और यहाँ पे देखो कितना जाएगा 2 2 जा 4, सही है, तो अब -7 + 23/2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा 35/4x -7/7/4y, और इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा 14 और +23, तो 7 3 10 है ना, 14 23 में से 14 घटा देंगे, 9 4 13, प्लस का 9 बचेगा, तो +9/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 35x - 7y और +18 = 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 35x और -7y + 18 = 0, और ये इसका हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 38, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 35x - 7y और +18 = 0 बिल्कुल सही आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो अगला क्वेश्चन 39 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है, क्वेश्चन नंबर 39 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, ये एंड ये, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y -4 = 0, इसको मान लेते हैं 1। अगला इक्वेशन है x - 5y -7 = 0, इक्वल टू 7 था तो हमने -7 = 0 कर दिया, अच्छा इट्स एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 4, और जो लाइन पास करेगा इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से, मान लो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना, इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन निकालेंगे और फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, उसको 4 के बराबर कर देंगे बस, तो पहले इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो के फॉर्म में लिखेंगे, तो आ जाएगा x - 5y - 7 + k, और इनटू में आ जाएगा कितना 2x, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3y - 4 = 0। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग x और x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशेंट 2k, तो यानी 1 + 2k × x आ जाएगा, यहाँ पे y का कॉफिशेंट -5, यहाँ पे y का कॉफिशेंट 3k आएगा × y, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -7, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4k = 0। अब इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो बोलेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, पुट y = 0, जैसे ही y 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2k × x और माइनस में 7 - 4k = 0, इन दोनों को उठा के इधर कर लेते, तो 1 + 2k × x = 7 + 4k आ जाएगा, अब x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 4k / 1 + 2k, यही क्या है x इंटरसेप्ट है, यही किसके बराबर है, यही हो गया आपका x इंटरसेप्ट, इसी को क्या बोलेंगे, ये है x इंटरसेप्ट,
लेकिन यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -4, हमने ये मिस्टेक किया, यहाँ पे -4 होगा है ना, एक्स इंटरसेप्ट -4 है, तो यहाँ पे आप -4 लिख लो, तो बोलेंगे 7 + 4k / 1 + 2k = -4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 4k और ये हो जाएगा -4 - 8k हो जाएगा, इसको उठा के कर लेते हो, ये हो जाएगा 12k और ये आ जाएगा इधर, तो 7 × 4 = 11, 7 × 4 = 11, -11 हो जाएगा, तो k = -11/12 आ जाएगा। अब इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे k है वहाँ पे -11/12 रख देंगे, ठीक है। तो देखो -11/12 यहाँ रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 22/12 हो जाएगा, तो 1 - 22/12 आ जाएगा, इंटू में एक्स आएगा, ठीक है। फिर प्लस -5, के की जगह -11/12 रखेंगे तो 11 × 3 = 33, तो -33/12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जरा मैं इसको मिटा दूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे वाई हो जाएगा, अब अगला है -7 और फिर -4k, और के की जगह -11/12, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 44/12 = 0। अब सही है। अच्छा आप देखो यहाँ हो जाएगा 12 - 22, तो माइनस का 10/12 बचेगा इंटू एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 12 × 5 = 60, 60 - -93 हो जाएगा है ना, -93/12 × y, और यहाँ पे आ जाएगा 12 × 7 = 7, 2 = 14, बाकी बचा 1 = 84 आ जाएगा ना, 84 + 44, तो 84 में से 44 प्लस का 40 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 40 आ जाएगा ना, माइनस का 40 और इक्वल टू कितना जाएगा 0, 40/12 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो -12 LCM, सॉरी -1/12 कॉमन चला जाएगा, तो -1/12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 10x और प्लस में 93y और यहाँ प्लस में 40 = 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 10x + 93y + 40 = 0, ये हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, तो 10x + 93y + 40 = 0 बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये एंड दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे दोनों सेम इंटरसेप्ट बनाएगा। देखो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करेगा जिसका इक्वेशन दे रखा है, क्या क्या है, 4x + 7y - 3 है ना, 4x + 7y - 3 = 0 इक्वेशन फर्स्ट। अगला है 2x - 3y, अगला है 2x - 3y और +1 = 0 इक्वेशन टू है, ठीक है। ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरा लाइन पास करेगा, ठीक है, मान लो यही वो तीसरा लाइन है, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा। इसका मतलब इस लाइन का पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों के इक्वल कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगा। तो देखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4x + 7y - 3 और प्लस के इंटू, ये हो जाएगा 2x - 3y और +1 = 0। अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं तो 4 + 2k हो जाएगा इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 7 - 3k और इंटू में y और यहाँ आ जाएगा -3 और +k = 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या पुट करेंगे, y = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2k इंटू एक्स
और ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री माइनस के अपॉन में फोर प्लस टू के आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स बराबर जीरो, तो एक्स को जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा, सेवन माइनस थ्री के और इंटू वाई माइनस थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री माइनस के डिवाइडेड बाई सेवन माइनस थ्री के, सही है ना। तो बोलेंगे फॉर इक्वल इंटरसेप्ट, फॉर इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस के अपॉन फोर प्लस टू के इक्वल टू, यह आ जाएगा थ्री माइनस के अपॉन सेवन माइनस थ्री के, ठीक है। तो देखो इन दोनों x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को हमने इक्वल कर दिया है, चूंकि इक्वल बोला हुआ था, तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 माइनस थ्री के और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस टू के, ठीक है, इस 3k को उठा के इधर कर लेते, ये हो जाएगा इधर 5k और इसको उठा के इधर कर लेते, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 बाई 5, k की वैल्यू कितना जाएगा 3 बाई 5। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड में के की वैल्यू रख दो, तो के की वैल्यू कितना है 3 बाई 5, तो यहाँ रखेंगे 3 बाई 5, तो यहाँ जाएगा 4 प्लस 3 बाई 5, तो ये हो जाएगा 6 बाई 5 और इंटू में x आ जाएगा, और प्लस 7 माइनस, और 3 के है, के की वैल्यू 3 बाई 5 है तो 9 बाई 5 हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 3, के की वैल्यू 3 बाई 5 है तो इंटू में क्या हो जाएगा, आप सॉरी प्लस में 3 बाई 5 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 20, 20 प्लस 6, 26 बाई 5 आई इंटू में एक्स, और प्लस में 7 पचे 35, 35 माइनस 9, 35 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो ये जाएगा 26, है ना, तो प्लस में 26 बाई 5 इंटू वाई, और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 3 माइनस 12 आ जाएगा, है ना, तो माइनस 12 बाई 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 26x प्लस 26y माइनस 12 इक्वल टू 0, जो एलसीएम था उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा 13x प्लस 13y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये होना चाहिए इसका आंसर, चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, 13x प्लस 13y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, इसमें लिखा है प्रूव दैट द फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये, ठीक है, लैम्डा बीइंग आर्बिट्रेरी पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट आल्सो फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। देखो मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाया हुआ है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन L1 है, लाइन फर्स्ट है, इसका इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और ये हमारा L2 है, ये सेकेंड लाइन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि L1 plus kL2 बराबर 0 होता है, यही होता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 41 नंबर, अगर उस क्वेश्चन में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट होता है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, और अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि फॉर फिक्स्ड पॉइंट, है ना, फॉर फिक्स्ड पॉइंट, यही आपका फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट इसके लिए क्या करना पड़ता है, सॉल्व किसको, L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे कोई इक्वेशन पहले से दे रखा है, और क्या है वो इक्वेशन, इक्वेशन है x इंटू वन प्लस लैम्डा, और अगला है प्लस y इंटू में टू माइनस लैम्डा, ठीक है,
अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे के की जगह कौन आएगा, लैम्डा आएगा, चूंकि लैम्डा इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते। तो एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2y माइनस लैम्डा वाई और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लैम्डा वाले को साथ में कर लेते हैं और बाकी सब को साथ में कर। तो x यहाँ पे है x प्लस 2y और इधर से प्लस 5। अब लैम्डा वाले को ले लो, तो लैम्डा में यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 0, सही ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये लाइन फर्स्ट है हमारे लिए और ये क्या है लाइन सेकेंड है, सही है। तो आप देखो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म है, एल वन प्लस लैम्डा एल टू बराबर 0। सो इट इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या होगा, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात तो प्रूफ हो गया। अच्छा अब यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट भी निकालना है, तो बोलेंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व किसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व किसको, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इधर रख देते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आएगा x आएगा, इसको यहाँ रख देते हैं। तो x प्लस y की जगह क्या रख देंगे x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 आएगा। और y और x बराबर है, तो यही होगा किसका, y की वैल्यू। तो पॉइंट इज कौन सा पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इज कितना आया, माइनस 5 बाई 3 कॉमा माइनस 5 बाई 3, और ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, इसमें लिखा है प्रूव दैट द लाइन ये पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आल्सो फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। सेम ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या है, x इंटू ए प्लस टू बी, प्लस वाई और इंटू में ए माइनस थ्री बी है, ठीक है। अच्छा a माइनस b ऐसा दिया हुआ है, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमें प्रूफ करना है ये जो स्ट्रेट लाइन है किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा डिफरेंट a और b के वैल्यूज के लिए, और फिक्स्ड पॉइंट भी बताना है। तो सेम काम करेंगे, है ना, इसको भी हम लोग l1 plus k l2 equal to 0 के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो a और b के टर्म में आएगा, सही। तो यहाँ पे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो या फिर आप बोलो कि ए वाले को एक साथ कर लेते हैं, बी वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। देखो ए का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ से ए का कॉफिशेंट क्या आएगा प्लस वाई, तो यहाँ वाई लिख लो, यहाँ पे इस ए को उठा के इधर कर देंगे तो माइनस वन आ जाएगा ए का कॉफिशेंट, तो ये ए वाला हो गया। अब बी वाले को ढूंढते हैं, यहाँ बी का कॉफिशेंट टू है तो टू एक्स हो जाएगा, तो ये जाएगा टू एक्स, यहाँ पे बी का कॉफिशेंट माइनस थ्री वाई आएगा तो माइनस थ्री वाई, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट प्लस वन आएगा क्योंकि इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया ये जीरो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अच्छा यहाँ पे b था ना, b हमने कॉमन लिया था। देखो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं करना आता है तो आप पहले क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो सबको, a वाले को एक साथ कर लो, b वाले को एक साथ कर लो, कॉमन लो, तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं a से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से डिवाइड करने में क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस वन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा b बाई ए हो जाएगा, तो इंटू में यहाँ पे आगे कर देते हैं,
ये जो b बाई ए आएगा यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2x एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। बी से हमने डिवाइड कर दिया, सही ना, सॉरी a से डिवाइड किया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ इतना ही बच जाएगा, है ना, सिर्फ इतना बच जाएगा। और यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे तो b बाय ए हो जाएगा, उसको हमने आगे लिख दिया। तो आप देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको बोलेंगे, ये इसको क्या मान लेंगे, ये एल वन है और ये हमारा एल टू है, तो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एल वन प्लस ए बाई बी एल टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो ए बाई बी है यही हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना, तो बोलेंगे सो द इक्वेशन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए लाइन डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा फॉर फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट भी तो निकालना है, तो बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा किसको, ये इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ये वाला लाइन, यानी कि 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर माइनस वाई लिखेंगे और इज इक्वल टू वन लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता तो आपको जो मेथड आता है उससे यूज कर सकते हो। क्लास टेंथ में आप पढ़े हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ढकेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा थ्री, वाई वाले को ढकेंगे यानी कि आ जाएगा वन, और प्लस का टू, इसको ढकेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री माइनस का टू। तो यहाँ से x के नीचे क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, यहाँ y के नीचे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, इस माइनस को हमने नीचे कर दिया है, यहाँ पे वन बाई माइनस फाइव हो जाएगा। तो इस माइनस टू के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा, टू बाई फाइव, और y के वैल्यू कितना आ जाएगा, थ्री बाई फाइव। तो बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट इज, तो यहाँ पे आ गया फिक्स्ड पॉइंट इज कितना, टू बाई फाइव कॉमा थ्री बाई फाइव, और ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 में, ठीक है। देखो इसका आंसर बुक में गलत हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, इसमें लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, आल्सो फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें 43 में पहला इक्वेशन है, हमें ये प्रूफ करना है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्लस इंटू एक्स प्लस लैम्डा इंटू वाई और इक्वल टू वन माइनस थ्री लैम्डा, वन माइनस थ्री लैम्डा। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में लैम्डा वाले को एक साथ कर लेंगे और एक्स वाई वाले को एक साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस एक्स लैम्डा वाई माइनस वाई प्लस थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब ये देखो ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स और ये माइनस वन है, इन दोनों में लैम्डा नहीं तो इसको अलग कर लिए, और प्लस में लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा प्लस वाई और यहाँ पे प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसको हम लोग L1 बोलेंगे, है ना, ये L1 है और ये हमारे लिए L2 है, तो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 इक्वल टू जीरो, सही ना, सो इट इज अ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये प्रूफ हो गया। तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा, सॉल्व माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको एंड एक्स प्लस वाई प्लस थ्री बराबर जीरो, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करना आसान है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा माइनस वन आएगा, इसको पुट कर देते हैं इसमें तो आ जाएगा माइनस वन और प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस टू आ जाएगा। तो बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट इज, तो यहाँ से आपका फिक्स्ड पॉइंट कितना निकला, फिक्स्ड पॉइंट माइनस वन एंड माइनस टू इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 43 का फर्स्ट नंबर,
-1 -2 बिल्कुल सही आंसर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, इसका दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा है लैम्डा एक्स प्लस वाई, लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसमें लैम्डा वाले को एक तरफ कर दो, बाकी चीज़ें एक तरफ कर दो, इसको उठा के कर लेते। तो वाई माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0, तो इसको बोल देंगे L1 है, और लैम्डा के साथ जो है उसको बोलेंगे L2 है। तो बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2 बराबर 0, तो सो इट इज ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो फॉर फिक्स पॉइंट सॉल्व किसको, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को एंड x इज इक्वल टू 0 को। तो x इक्वल टू 0 तो पहले से पता है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना जाएगा 4। तो बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट कितना जाएगा 0,4, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है सभी। तो अब एक क्वेश्चन और रह गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे लगभग लगभग सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। इसमें लिखा है प्रूव दैट ऑल द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ये पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। फिर से वही क्वेश्चन है, हमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही दिखाना है, ठीक है, क्योंकि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है वही फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। तो हमें यह दिखाना है कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। तो चलो अभी हम लोग दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की जगह कौन है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को साथ में करने वाले हैं, ठीक है। 5 sin थीटा और इज इक्वल टू, सॉरी माइ इंटू में वाई है, माइनस फाइव कॉस थीटा और -2 sin थीटा इक्वल टू 0। अच्छा इसमें कॉमन ये ब्रैकेट भी है इस तरह से, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, तो ये फिक्स्ड पॉइंट से तभी पास करेगा जब ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अल्टीमेटली हमें प्रूफ करना है कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक सवाल तो है ही, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा हमें क्या करेगा, कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, के की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब साइन कॉस थीटा वाले को एक साथ लिख दो, साइन थीटा वाले को एक साथ लिख दो। तो कॉस थीटा वाले को लिख के कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा कॉफिशेंट आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। यहाँ पे कॉस थीटा कॉफिशेंट आ जाएगा 3y, तो प्लस में 3y, मैं एक साथ लिख रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे कॉस थीटा कॉफिशेंट -5 आएगा, -5 इसके इंटू में क्या रहेगा, कॉस थीटा, चूंकि हमने कॉस थीटा वाले को एक साथ लिख दिया। अब देखो साइन थीटा वाले को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू -5y, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू +2 आ जाएगा, है ना, +2 इंटू में क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x + 3y - 5 और प्लस में ये साइन थीटा, इसके डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा, इसको आगे लिख देते हैं, तो साइन थीटा बाई ये कॉस थीटा हो जाएगा इंटू में 3x - 5y + 2 = 0। तो ये क्या है, ये हमारा L1 है और ये हमारा क्या है, L2 है, सही है ना। इसको हम लोग टैन थीटा बोल देंगे। तो यहाँ बोलेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ L1 प्लस ये टैन थीटा इंटू L2 इक्वल टू 0। तो सो द इक्वेशन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये प्रूफ हो गया कि फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। अब फिक्स्ड पॉइंट निकालेंगे कैसे, तो बोलेंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट सॉल्व किसको, ये 2x + 3y - 5 = 0 एंड 3x - 5y + 2 = 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x यहाँ लिखेंगे -y, यहाँ लिखेंगे 1, तो
तो एक्स वाले को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और माइनस में कितना आ जाएगा 25, माइनस वाई लिखेंगे फिर आ जाएगा कितना 4, और ये आ जाएगा प्लस का 15। अब ये 1 की जगह क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स के नीचे कितना वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 19, यहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन माइनस का 19, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 19। तो ये सभी कट गया, तो एक्स की वैल्यू 1 आएगा, वाई की वैल्यू भी 1 आएगा। तो देख लेते हैं पॉइंट कितना आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 1 1, है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट कितना आ गया, फिक्स्ड पॉइंट आ गया कितना 1,1, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।